बैजनाथ के मेला ग्राउंड से कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा के कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद शांता कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर शांता कुमार ने कहा कि प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है तथा सरकार के मुख्यमंत्री बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में भाजपा ने इतिहास रचा है और अब विधानसभा के चुनावों में प्रदेश की जनता परिवर्तन कर भाजपा की सरकार बनाएगी। प्रतीक है चारों लोकसभा क्षेत्रों में हमारे नेता विशेषकर इन रथों को प्रारंभ करने के लिए केंद्र के मंत्री हमको सहयोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उद्देश्य केवल यह है कि हम जन संपर्क के लिए घर से निकल गए, रथ यात्रा करेंगे, पोलिंग बूथ पर जाएंगे, एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, समझाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिले। और दिल्ली में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, 13 प्रदेशों में भाजपा की सरकारें बन गई है, विकास हो रहा है, वो परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में। इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में सम्मिलित है तथा शिमला के लोगों ने नगर निगम में भाजपा को बढ़त देकर ट्रेलर दिखा दिया है और अब विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटें जीतवाकर भाजपा की मजबूत सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार की तारीफ की तथा केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। भाई बहनों, जो कुछ नगर निगम का चुनाव आप सबने जीता है, ये तो एक ट्रेलर है। जैसा आदरणीय शांता कुमार जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरह से यहाँ का विकास आगे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ का भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है, ये पूरी जो बातें हैं सरकार आने के बाद केंद्र सरकार की मदद से, नरेंद्र भाई जी के आशीर्वाद से हिमाचल का विकास आगे दौड़ेगा और हिमाचल एक भ्रष्टाचार रहित प्रदेश बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जनसभा के बाद केंद्रीय मंत्री ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा रथ में बैठकर लोगों का अभिनंदन भी किया। गौरतलब है कि ये यात्रा 972 किलोमीटर चलने के बाद 7 जुलाई को भरमौर में संपन्न होगी। रथ यात्रा के लिए कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कुल 19 जनसभाएं तथा 74 स्वागत के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। भाजपा इस रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। इस यात्रा के दौरान 3 लाख पत्रक बांटने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कांग्रेस राज के माफिया राज का पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाया जाएगा। बैजनाथ से एचटुडे के लिए कमल गुप्ता की रिपोर्ट।